करते हैं। आ चुके हैं हम पूजा करके, और देखो ये, और अभी बच रहे हैं, अंदर पहुंच चुके हैं, और अभी मैं जा रही हूँ गौशाला। हम हो रहे हैं रेडी, और सबसे पहले देखो हम साड़ी का कलेक्शन कर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से। तो जी आज है 19 मई, और आप सभी को सबसे पहले वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मॉर्निंग का टाइम है और घर में वट सावित्री का फास्ट था मेरा भी और रेनू जी का भी। तो सबसे पहले देखिए मैं शावर लेके आ चुकी हूँ, और मैं आई मंदिर में, और मंदिर में मैंने थोड़ी देर पूजा पाठ करी। तो कल रात को क्या हुआ था ना कि मम्मी आई थी यहाँ पे, तो मम्मी के हाथ में लगानी थी मेहंदी, और मैंने मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाई, देन उसके बाद रेनू जी के हाथ में मेहंदी लगाई, बट अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगा पाई, क्योंकि ना लगाने तक कम से कम 11 बज चुका था। और जैसे मैंने सोचा कि मैं लगाती हूँ, पहले बच्चों को सुलाऊंगी, देन उसके बाद अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, बट तब तक क्या हुआ कि ऑलरेडी ही मुझे नींद आ चुकी थी, और मेरी कीप ना वैसे ही बिस्तर में पड़ी हुई थी। तो मॉर्निंग में सारा काम हो चुका था, और पूजा पाठ करने के बाद मैंने कहा चलो अब मैं अपने हाथों में लगा लेती हूँ मेहंदी, बस एक ही हाथ में लगाऊंगी, क्योंकि जो मेरा राइट हैंड है उसी से लगेगा मेहंदी तो हाथ पे। तो यहाँ पे अथर्व टाइम टाइम पे आ रहा था और मुझसे बोल रहा था कि मम्मा मेरे हाथ में भी मेहंदी लगा दो। तो डिज़ाइन मैं अपने मन से ही लगा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डिज़ाइन कहीं से देख रही हूँ, बस थोड़ा बहुत मुझे आता है, नॉर्मली मेरे अपने के लिए हो जाता है कि हाँ मुझे कभी भी कोई फंक्शन अटेंड करना होता है उस टाइम पर मेहंदी लगा लेती। तो आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी लग चुकी है, और कैसी लग रही है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ सिरवा जी का नाम। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ, और आज है वट सावित्री, तो सभी लोगों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड देखिए मैंने अभी अभी जस्ट अपने हाथ में लगा रखी है मेहंदी। एक्चुअली में क्या हुआ ना, रात को मैंने एक दो के हाथों में लगा ली, मम्मी लोगों के हाथों में, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रात को लगाऊंगी, और जैसे मैं बिस्तर में लेटी मुझे काफ़ी अच्छी नींद आ गई थी। जस्ट सुबह भी बस नहा धो के मैंने कहा चलो मेहंदी लगा लेते हैं, देन उसके बाद हम जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। तो ये है मेरी मेहंदी जो मैंने खुद लगा रखी है आगे साइड में, और ये बैक साइड है। बैक साइड मैंने बस थोड़ा सा लगाया है, एक्चुअल में टाइम नहीं है, क्योंकि पंडित जी ने बोला है कि 11 बजे का मुहूर्त है और हमें अभी रेडी भी होना है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं देहरादून में वट सावित्री। हम हो रहे हैं रेडी, और सबसे पहले देखो हम साड़ी का कलेक्शन कर रहे हैं। ये जो साड़ी है ना, कौन सी पहननी है इसको ढूंढते हैं, और रेनू जी ने तो अपनी साड़ी ढूंढ ली है। मेरे हाथों से ना मेहंदी चढ़ जाएगी, नहीं मिल रहा है मेरे को अभी, ब्लाउज नहीं मिल रहा है इनको। ये है इनकी साड़ी जो इन्होंने अपनी ना 25th एनिवर्सरी के दिन पहनी थी, हल्की साड़ी। और अभी मैं अपने लिए भी ढूंढूंगी कोई हल्की हल्की साड़ी, उसके बाद हम रेडी होंगे, और आपको सीधे मिलते हैं हम रेडी होके। तब तक ये ब्लाउज ढूंढूंगी, क्योंकि इन्हें अभी ब्लाउज नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो क्या पता साड़ी दूसरी भी पहन ले, बट कोशिश यही है कि ब्लाउज मिल जाए। आप लोग बने रहिए और बताइएगा हम कैसे लग रहे हैं, और उसके बाद हम चलेंगे सीधे पूजा करने के लिए। जी हो चुके हैं हम रेडी, और देखिए मम्मी भी रेडी होके आ चुकी है। तो हमें पूजा करने के लिए ना किसी के घर पे जाना है, एक्चुअल में सारी लेडीज़ें वहीं पे पूजा करती, तो हम पहले उनके घर जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं, देन उसके बाद हम वहाँ पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे पंडित जी भी आ चुके हैं, और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। हरि ओम सुमहूर्तमस्तु सुमहूर्तमस्तु शुभम कल्याणं भवतु। थोड़ा थोड़ा करके लेना फूल। हरि ओम सुमहूर्तमस्तु सुमहूर्तमस्तु शुभम कल्याणं भवतु। ओम शक्ति नव गीता शक्ति नव वरा शक्ति देवी आदित्य नवर्ण शक्ति पुरुषाश्रो दधातुना प्रतिदेवापति सुजे पुनः सति वायुमुखवामय सोमं सति मनस्य सति बृहस्पति सर्वगणं सति आदित्याशो वहुंसुनः विश्वे देवानवद्यासत्येवैश्वानरोवसरग्निसत्येदेवावन्द्वसत्येवैश्वज्ञरूद्रपाक्षवगुहासत्वपितृकापर्वसत्यपतेर्यौचीसत्यनयन्द्रचारिणीचसत्यनवधिदेकृतिगतिवन्तामनुचरैः शुभ्यासन्नामसाधुवपुनर्दत्तायां कासन्नविवर्षसाचरिष्णीमनस्पूतं वायुसन्देत्तानावसुरभिः कम्पितिशोनायुगान्वन् अनोमुष्पाञ्जलिचर्यां च सत्यात्मसाताच्यप्रवाणीशनं भवद्देशशिसंवादे सर्वैर्नवसोमानो वर्ताः च पुरुंसि पुष्टो दग्धः।
सौदी ततः सूर्य ज्योति अब हाथ जोड़ देना सावित्री के लिए, सावित्री ब्रह्म गायत्री सर्वदा भाषणी तेन सत्यन माम पाही च दुख संसार सागरात तुम गौरी तुम सची तुम लक्ष्मी च प्रभा चंद्रमंडले तमे ईश्वर भूत जगन्माता तुम उद्धार वरनानने सौभाग्यम कुलवृद्धि च देहि मे तुम सुवर्ते यन चुके हम पूजा करके, और देखो ये, और अभी बज रहे हैं दिन के 2, हम 11 बजे चले गए थे और 2 बजे आ रहे हैं। रोड में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, आपको दिख रहा होगा। इन दोनों के हाथ में बैग है, मैं खाली हाथ चल रही हूँ। बच्चे 11 बजे से अकेले ही हैं, अब जाते हैं घर पे और देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आपको सीधे अब घर पर मिलते हैं। अंदर पहुंच चुके हैं और अभी मैं जा रही हूं गौशाला, क्योंकि ना वहां हम लोगों को दिए थे प्रसाद में केले, तो सबने केले खा लिए थे और चिक्कल हम लेके आ गए। तो ये देखो कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं यहाँ पे। तो इनको लेके आती हूँ गाय को और उसके बाद जाते हैं अंदर। मुझसे ज़्यादा आवाज़ कुत्तों की आ रही होगी ना, ये ऐसे भौंकता है। मुझे आए हुए कितने दिन हो गए, फिर भी ये भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। तो आपको ना मैं अभी गाय दिखाती हूँ। ये देखिए गाय, और गाय के यहाँ पे भी ना फैन लगा रखा है, तो गाय आराम से फैन में मजे ले रही है। तो मैं इनको दे देती हूँ। देखूंगी गाय, आप चलते हैं सीधे ऊपर। बच्चे काफ़ी देर से अकेले हैं, बहुत टाइम लग गया पूजा करने में, फिर थोड़े बहुत करे कीर्तन और अभी सीधे ऊपर चलते हैं। और हमने पहनी है साड़ी जो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है हमारे लिए, हम चल भी नहीं सकते साड़ी पहन के। तो बच्चे अंदर वेट कर रहे हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, सीधे अंदर के चलते हैं। एंटर करते हैं सीधे रूम के अंदर, और जैसे हमने रूम के अंदर एंटर किया, अथर्व बहुत ज़्यादा खुश हो रखा था, क्योंकि ना अथर्व के नानू लेके आए थे अथर्व के लिए रिमोट कंट्रोल कार और आदि के लिए ट्रक। तो दोनों के दोनों मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर अथर्व ना बार बार मुझे दिखाने की कोशिश करता कि नानू मेरे लिए ये लेके आए, और ये देखिए यहाँ पे अथर्व ने अपना ट्रक रखा हुआ है मुझे दिखाने के लिए। एंड आदि वहाँ पे अभी लंच कर रहा है, तो दोनों ने थोड़ा बहुत लंच कर लिया था हमारे आन तक, और अभी हम थोड़ा सा हो जाते हैं फ्रेश अप और फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली अभी हमारी सारी पूजा हो चुकी है, पूजा हो के हम पहुँच चुके हैं घर, और घर पहुँच के आप देख सकते हैं हमने ड्रेसअप सारा चेंज कर लिया है। तो पूजा बहुत अच्छी रही, और पता है फेस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑयली सा हो रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जब हम वापस आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, मैं आपको वीडियो में दिखा भी रही थी, और उसी धूप में हम चल के आए थे।
देन उसके बाद घर आए ना तो कपड़े सारे बिखरे हुए थे, बच्चे वैसे ही बैठे हुए थे, तो हमने सारे कपड़े अपने फोल्ड किए। अंकल का था आज एकापकत, तो रेंदी ने अंकल के लिए बनाया लंच, 3:30 बजे की बात है। एंड मैंने जितने भी कपड़े थे वो सारे फोल्ड किए। देन उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया 5 बजे, तो अभी रेस्ट के जस्ट में उठ रखी। उठने के बाद सारे कपड़े रेनू जी लेके चले गई अपने अपने जगह में रखने के लिए, और मेरे कपड़े यहीं पे पड़े हुए हैं। तो अभी हम रात के डिनर की तैयारी करते हैं, और आज का जो हमारा जो दिन था बहुत अच्छा रहा, बहुत यादगार रहा, क्योंकि क्या हुआ ना, आज यहाँ पे ना पहली बार आंटी लोगों जो भी थी उन्होंने पहली बार सेलिब्रेट किया था वट सावित्री का व्रत, और पंडित जी को बुलाया था। मैंने इससे पहले कर रखा था जब हम पिथौरागढ़ में थे, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे पंडित जी थे तो हम वहाँ पे करते थे, बट फिर बाद में क्या हुआ कि हम कहीं पे जाने लगे, तो इस वजह से ना नहीं हो पाता। तो आज बहुत शायद शादी के बाद 1-2 साल ही ऐसा होता होगा जब मेरा वट सावित्री का व्रत पंडित से पूरा हुआ था, वरना हम अपने आप ही कर लेते थे जब पंडित नहीं होते थे। बट यहाँ आके आज पहली बार मतलब अच्छा हुआ। लास्ट ईयर भी मैं आई थी, बट उस साल बस मम्मी और मैंने अंदर ही वट सावित्री का व्रत किया हुआ था, और इस बार हमने पूरे विधि विधान से वट सावित्री का व्रत किया, और जो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, भजन कीर्तन सब कुछ हुए। और अभी जाके अब हम घर में आ चुके हैं। अब मैं देखिए अपने फेस को करती हूँ क्लीन, और आप देख सकते हैं ये मांग भी मेरा कितना भरा हुआ ना। एक्चुअली में क्या हुआ ना, वहाँ पे सब लेडीज एक दूसरे की मांगे भर रहे थे, तो अभी मैं अब इन सबको धो के वॉश कर लेती हूँ अपना फेस, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो गया। और आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।